संगठन द्वारा पिछले 4 दिसंबर से आंगनवाड़ी सेविकाओं की विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, जिस पर समाधान कारक संज्ञान न लेने के कारण पुनः एक बार नागपुर स्थित वैरायटी चौक पर जेल भरो आंदोलन किया गया। आइए देखते हैं एक झलक। आंगनवाड़ी सेविका, आशा, गट प्रवर्तक आदि कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि एवं उचित वेतन जैसी कई मांगों को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। बीच में सरकार द्वारा इन महिला कर्मचारियों को काम दिखाओ नोटिस भी किया गया था, लेकिन आर्टेक संगठन के अध्यक्ष श्याम काले के नेतृत्व में आंगनवाड़ी सेविकाओं ने पुनः एक बार सरकार को जगाने की कोशिश की, जहां नागपुर स्थित वैरायटी चौक पर महिलाओं ने श्रृंखला बनाते हुए आंदोलन किया, जहाँ मुख्य आवाजाही वाले मार्ग को रोका गया, जिससे पूरी तरह ट्रैफिक प्रभावित हुई। इस आंदोलन में सक्रिय कई महिला आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया गया, जहाँ आर्टेक संगठन द्वारा आगामी तीव्र आंदोलन का इशारा दिया है। दर्शकों, आंगनवाड़ी सेविकाओं की विभिन्न मांगों को लेकर आयटक संगठन द्वारा नागपुर स्थित वैरायटी चौक पर बड़ी मात्रा में आंदोलन किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, पूरा जो ये जो वैरायटी चौक है, पूरा श्रृंखलाबद्ध किया गया है, पूरी श्रृंखला यहां पकड़ी गई है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, आयटक संगठन के आंदोलनकारी, जिन्होंने पूरा गोल बनाया है, पूरा सर्कल बनाकर यह आंदोलन किया जा रहा है। जेल भरो आंदोलन है आज का। जिस प्रकार से आयटक संगठन द्वारा जो है आंगनवाड़ी सेविकाओं की विभिन्न मांगों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है, विभिन्न मांगे उनकी रखी गई, अधिवेशन के काल में भी उनकी मांगे रखी गई, लेकिन किसी भी प्रकार का संज्ञान सरकार ने नहीं लिया है, जिसके चलते जो है सरकार के प्रति जो है आक्रोश यहाँ दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, हाईटेक के झंडे इनके हाथ में है और हल्ला बोल के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, पूरा वैरायटी चौक जो है श्रृंखलाबद्ध इन्होंने किया है, पूरा सर्कल यहाँ किया गया है, जो कि बड़ी मात्रा में जो है आप देख पा रहे हैं, बड़ी मात्रा में जो है आक्रोश दिखाई पड़ रहा है। इस समय सरकार के खिलाफ आक्रोश जताते हुए आर्टिक के अध्यक्ष श्याम काले ने बताया कि पिछले 5 दिसंबर से हम आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस विषय में गंभीर नहीं है, जिसके चलते हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, अन्यथा आज रास्ता रोका है, कल रेल रोकेंगे, यह चेतावनी उन्होंने सरकार को दी है। आपको मालूम होगा 4 दिसंबर से महाराष्ट्र की पूरी आंगनवाड़ी वर्कर स्ट्राइक पर है, 50वां दिन है, सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और इसलिए आज नागपुर की आयटक संगठन की ओर से ये रास्ता रोको जेल भरो आंदोलन आज सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जा रहा है। आंदोलन के और भी तरीके हैं, अभी हम सिर्फ रास्ता रोके, आगे रेल भी रोक सकते हैं और जेल जाने के लिए भी हम डरेंगे नहीं। इस समय बड़ी मात्रा में आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया है, जहां महिला आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी। तो इस वक्त कुछ आंदोलनकारी हमारे साथ मौजूद है, क्या है आपकी मांगे, किन मांगों को लेकर आपने जो है पूरा ट्रैफिक जाम यहाँ करके रखा है? देखो सर, मेरा नाम वनिता कापसे, मैं महाराष्ट्र राज्य की जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज ये आंदोलन 4 दिसंबर से चालू है, सरकार को हम ही 4 ही मांग से लेकर फोकस कर रहे हैं, और ये आंदोलन है सर जितनी श्याम भाव काड़े इन नेतृत्व में ये चलता है, और हमारी मांगे ये है कि हमें पेंशन मिलना चाहिए और मानदंड देना चाहिए, वेतन देना चाहिए, ग्रेजुटी देना चाहिए, और हमारी जो रजा है वो रजा मिलना चाहिए, और इन मांगों को लेकर हम लोगों ने ये आंदोलन चालू किया। अब 50 दिन हो गए, 50 दिन से आंदोलन चालू है, सरकार दखल नहीं दे रही है। इन मांगों से हम सरकार को चेतावनी देते हैं कि आज हम जेल भरो कर रहे हैं, इसके बाद भी बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐसे मैं बता रही हूँ। जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, वैरायटी चौक का जो है ये मुख्य रास्ता है, शहर का मुख्य रास्ता होने के वजह से जो है, जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, ट्रैफिक पूरी तरह प्रभावित हो चुका है, बसेस जो है दूसरे मार्ग, जहाँ से बसेस जा रहे हैं उनका मार्ग पूरा रोका गया है, शहर का मुख्य रास्ता होने के कारण आवाजाही की बड़ी मात्रा में जो है कुछ क्षण के लिए पूरी तरह से जो है आवाजाही स्तब्ध हो चुकी है, आवाजाही रुक चुकी है। कुछ महिलाएं आप देख पा रहे हैं बैठ भी गई है, रास्ते पर बैठी है, और आज चेतावनी दी जा रही है सरकार को कि हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम जो है इस प्रकार का आंदोलन करते रहेंगे। पुलिस भी पूरी तरह से तैनात है, पुलिस व्यवस्था यहाँ लगाई गई है, और पूरा जो रास्ता है मुख्य रास्ता होने के बावजूद जो है आवाजाही पूरी तरह से जो है स्तब्ध हो चुकी है, महिलाएं बैठ रही है, जेल भरो आंदोलन यहाँ किया जा रहा है, आयटक संगठन बड़ी मात्रा में जो है सरकार को चेतावनी दे रही है।
दर्शकों, जेल भरो आंदोलन का मुख्य पड़ाव आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, जो है आंदोलनकारी महिलाओं को जो है जेल में भरा जा रहा है, पुलिस की गाड़ी में भरा जा रहा है, पूरी तरह से पुलिस तैनात है और सभी जो महिलाएं हैं पूरी तरह क्रांतिकारी रूप उन्होंने धारण कर चुका है। जिस प्रकार से पूरा आंदोलन जो है आक्रामक रूप से यहाँ दिखाई पड़ा है, 4 दिसंबर से जो है यह आंदोलन चल रहा है, 50 दिन की अवधि पूर्ण हुई, अधिवेशन में भी ये मुद्दे रखे गए लेकिन किसी भी प्रकार का संज्ञान यहाँ नहीं लिया गया। जिस प्रकार से जो है आक्रोश आंदोलन, जेल भरो आंदोलन आप जिस प्रकार से देख पा रहे हैं, इसी कैप्शन के हिसाब से जिस प्रकार से कैप्शन दिया गया था, जेल में भरा जा रहा है महिला कार्यकर्ताओं को, पूरी तरह से जो है अस्ताव्यस्त आवाजाही तो हो ही चुकी है, साथ ही साथ जो है मौसम पूरी तरह जो है क्रांतिमय हो चुका है। दर्शकों, आयटक संगठन द्वारा बड़ी तीव्रता के साथ आंदोलन किया जा रहा है, कई महिलाओं को जो है, कई महिला कार्यकर्ता महिला आंदोलनकारियों को जो है जेल में भरा गया है, पुलिस की वैन यहाँ आई थी, सभी को जो जेल में भरा गया है और जो है मुख्य रास्ता जो है वैरायटी चौक का पूरी तरह से श्रृंखलाबद्ध इन आंदोलनकारियों ने किया है, जिससे कि आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। 4 दिसंबर से चल रहे इस आंदोलन में विभिन्न पड़ाव आ रहे हैं, तो ये देखना काफ़ी रोचक रहेगा कि आगे का पड़ाव किस वर्तमान के इन मंसूबों को, किस भविष्य को दर्शाता है। प्रसन्न अजीत कुंवर के साथ मैं मनीष टिमरे, NBC News के लिए नागपुर।